एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइन पर। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा श्रम कार्ड योजना ऑनलाइन शुरू। कोतवाल को कॉलर पकड़कर नीचे उतारा और रेत लदा ट्रक लेकर हुआ फरार, युवक की गर्दन पर चलाया चाकू। देखते हैं अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की ओर से ई श्रम कार्ड योजना ऑनलाइन शुरू की गई है। देश के असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर वर्ग का ई श्रम कार्ड बनने के बाद सरकारी योजना के तहत बैंक खातों में सरल लाभ उठा पाएंगे। उसके लिए 16 से 59 उम्र तक असंगठित क्षेत्रों के कामगार होने चाहिए। अपघात में मृत्यु होने पर 2 लाख राशि एवं आंशिक अपंगत्व आने पर 1 लाख रुपए से ज्यादा की राशि दी जाएगी। ई श्रम पोर्टल रजिस्ट्रेशन करके सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ उठा सकेंगे। सीएस डिविजनल मैनेजर मुकेश शर्मा ने कहा है कि वह मुस्लिम लाइब्रेरी और सीएससी सेंटर समीर वर्ल्ड कंप्यूटर के संयोग से एक दिन का असंगठित कामगार का शिविर रखा गया था। इस प्रोग्राम में स्टेट मैनेजर अजरुद्दीन शेख, एफआई मैनेजर संजय यादव, मुस्लिम लाइब्रेरी के नईम खान, सचिव सैयद सोयल, सीएससी सेंटर के संचालक समीर नवाज, सोशल वर्कर विलास केजरकर, सीएस के कर्मचारी के उपस्थिति में मुस्लिम लाइब्रेरी में 300 कामगारों का पंजीकरण किया गया। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ उठा सकेंगे। मैं मुकेश शर्मा, विभागीय व्यवस्थापक, श्रमिक कार्ड के लिए मैं आह्वान करना चाहता हूँ। हमारे जो भी भाई बहन हैं, जो कामगार हैं, वे लोग हमारे सीएससी सेंटर में आइए और अपना पंजीकरण कीजिए। सीएससी में आपको जो रजिस्ट्रेशन करवाना है वो बहुत कोई लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ अपना एक आधार नंबर देना है, आधार कार्ड लेके आइए और हमारे जो वीएडीज हैं, जो भाई बहन हैं, वे आपका सीएससी में रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपका किया जाएगा। साथ ही साथ सीएससी में आप जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उनका आपको बहुत फायदा है। समय पहले तो आपको 2 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा। साथ ही साथ जो आपको अगर से कुछ अपंगत्व आता है उसके लिए 1 लाख का आपको इंश्योरेंस दिया जाएगा। साथ ही साथ उसके अंदर जो भी आपका 1 साल का जो प्रीमियम है वो माफ किया जाएगा। और भी बहुत सी ऐसी जो सरकारी सेवाएं हैं वो आपको दी जाएगी। तो मैं सभी जितने भी कामगार भाई बहन है, जो बांधकाम कामगार है, जो लोग छोटे छोटे लेवल पे असंगठित कामगार है, उनसे मैं आह्वान करूंगा कि वे लोग सीएससी सेंटर में आए और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। दूसरी खबर, रेत का कारोबार चरम पर है। तस्कर डुप्लीकेट रॉयल्टी बनाकर सरकार विभाग के आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ऐसी ही एक घटना 17 सितंबर को सामने आई है। तहसील कार्यालय के मंडल अधिकारी संजय दशरथ कामले शुक्रवार को अपने साथ मंगेश दामोदर चंदन खेड़े और सचिन दिलीप उइके को लेकर नेरी के लिए सरकारी काम से निकले थे। काम निपटाकर वापस आते समय आवंडी सोनेगांव रोड पर एक ट्रक जाता हुआ दिखाई दिया। चोरी की रेत होने की आशंका के चलते मंडल अधिकारी ने ट्रक को रोककर चालक से पूछताछ की। ट्रक में 4 ब्रास रेत दिखाई दी। चालक सत्यवान ने कांद्री घाट के एक ब्रास की रॉयल्टी दिखाई जो 17 सितंबर को सुबह से 18 सितंबर की दोपहर 2 बजे तक की थी, लेकिन रॉयल्टी स्लिप में काटपीट होने से उन्हें संदेह हुआ तथा ट्रक तहसील कार्यालय में जमा करने के लिए कहा गया। मंडल अधिकारी ने अपने साथी कर्मचारी कोतवाल मंगेश चंदन खेड़े को ट्रक में बिठाया। ट्रक चालक ने कुछ दूरी पर आवंडी सोनेगांव रोड पर जाकर गजानन धूले के खेत के समीप जबरदस्ती ट्रक की रेती खाली कराई। तीसरी खबर, यशोधरा नगर में मोबाइल पर बात कर रहे युवक को गर्दन पर चाकू मारकर जख्मी कर दिया गया। 30 वर्षीय शिव कुमार खांडेकर रविवार को रात अपने घर के सामने मोबाइल पर बात कर रहे थे। उसी वक्त प्रदीप नामक युवक उनके पास आया। उसे फोन पर क्या बात कर रहा है, मुझसे बात कर बोलकर चाकू से वार कर दिया। उसने गर्दन पर वार कर खांडेकर को जख्मी कर दिया। यशोधरा पुलिस ने हमले का मामला दर्ज किया है। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहे और देखते रहे एमएनएस न्यूज लाइव। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।